नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रति की स्पेस का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, Realme कंफर्म कर दिया है कि उसका जो अगला फोन आने वाला है, जैसे Redmi का K20 Pro आया था, ऐसे Realme का X या फिर Realme U2 या फिर Realme 4 Pro जो आने वाला है, उसमें आ जाएगा आपका 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद क्वाड कैमरा सेटअप। बहुत सारे स्पेसिफिकेशन में लीक हो गया, तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले क्लियर कर दो कि रियलमी एक्स जो चाइना में लॉन्च हुआ था वो ट्रिपल कैमरा सेटअप में आया था, लेकिन जो रियलमी फोन लॉन्च करने वाला उसका नाम कुछ फिक्स नहीं हुआ है। माधव सेठ एक तो ट्वीट किए थे अपना ट्विटर में, जहां पर इधर बात कर रहे थे कि वर्ल्ड का फास्ट फोन हम लोग लाने वाले हैं जो कि रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का। बात करते हैं आपका फ्रंट कैमरा का, इसमें आपको पॉपअप कैमरा मिल जाएगा। देन बात करते हैं आपका जो 64 मेगापिक्सल आने वाला है जो फोन, उसमें जो सेंसर लगेगा वो सैमसंग का GW1 एक तो नया सेंसर सैमसंग लॉन्च किया था जो कि 64 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है। ये सेंसर पहली बार आपका रियलमी का जो फोन आएगा उसमें आपको लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। देन बात करते हैं पिक्सल साइज एंड पिक्सल बिनिंग का, तो इसमें आपको 1.6 माइक्रोन मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं 48 मेगापिक्सल का जो कि Redmi का Note 7 Pro, उसमें आपको मिल रहा था 1.4 माइक्रोन, इधर आपको 1.6 माइक्रोन। जहां पर आप अगर हम बात करते हैं माइक्रोन साइज का, तो इसमें आपको मतलब लो लाइट में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म देखने को मिल जाएगा। एंड आपको 64 मेगापिक्सल का जो फोटो रहेगा, अगर जूम भी करते हैं तो आपको अच्छा खासा पिक्चर मिल जाएगा, आज इक्वल टू जैसे 48 मेगापिक्सल का Redmi Note 7 Pro था। देन बात करते हैं सेंसर साइज का, तो इसमें आपको 1x1.72 इंचेस का एक तो सेंसर साइज मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं Redmi का Note 7 पर जिसमें लगा था 14 मेगापिक्सल, इधर आपको Sony का मिल रहा था 14 मेगापिक्सल का जो मिल रहा था 586 वाला, तो इसमें लगा था 1x2 इंच का, इधर आपको 1.72 इंच का मिलता है। बेटर तो रहेगा जैसे सोनी। अगर हम बात करते हैं क्या सैमसंग का और सोनी का, तो कैमरा में सोनी तो अच्छा है, लेकिन ये सैमसंग का जो नया लेटेस्ट सेंसर है अच्छा कम्पीट कर सकता है सोनी का IMX586 वाला 14 मेगापिक्सल को। देन बात करते हैं आपका लो लाइट फोटोग्राफी भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। देन बात करते हैं आपका मतलब लॉन्च कब होगा इंडिया में, तो ये लॉन्चिंग डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसे भी कुछ टीजर फीचर आ रहा है। जैसे माधव सेठ भी कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है, K20 Pro को टक्कर देने वाला ये फोन आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कैमरा सैंपल का, कैमरा सैंपल भी एक तो लीक हो गया है, जहां पर इधर लिखा है कि 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा क्लिक इन रियलमी, तो रियलमी का कौन सा मॉडल नहीं लिख रहा है लेकिन रियलमी लिख रहा है। क्वाड कैमरा सेटअप भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं पीछे का, तो इधर आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल आपका रहेगा रियर कैमरा। देन डेप्थ के लिए एक ठो, देन वाइड एंगल एक ठो, देन फोकस के लिए एक ठो और एक ठो फ्लैश रहेगा। मतलब फ्रंट का बात करें तो आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, जैसे आपको आपका पॉपअप कैमरा जैसे मिलता है। अगर हम बात करते हैं प्रीमियम किलर, तो उसमें भी लिखा था एक तो प्रीमियम किलर हाई रेंज, तो प्रीमियम किलर लिखा है मतलब हाई रेंज जाएगा फोन 15 से 20,000 का अंदर आएगा। अगर हम बात करते हैं बैटरी का, तो इधर आपको बैटरी इस बार 5000 mAh मिल जाएगा, क्योंकि पिछले बार जो Realme 3 Pro था उसमें आपको मिला था 4230 mAh बैटरी, इधर आपको 5000 mAh मिल जाएगा। स्पीकर को बात करें तो आपको इधर Dolby Atmos स्पीकर मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी रहेगा आपको बेटर देखने को इसमें मिल जाएगा। देन बात करते हैं फोन नेम अब तक कंफर्म नहीं हुआ, रियलमी एक्स हो सकता है, रियलमी एक्स हो सकता है, क्योंकि जो रियलमी एक्स चाइना में लॉन्च होता ट्रिपल कैमरा वाला फोन स्नैपड्रैगन 710, उस टाइम माधव सेठ अपना ट्विटर पेज में ट्वीट किए थे कि हम लोग इंडिया को भी रियलमी एक्स लाने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे को लग रहा है ये इंप्रूवमेंट हो सकता है 64 मेगापिक्सल, तो देखते हैं क्या होता है, आने से ही पता चलेगा फोन का क्या मतलब नाम क्या रहेगा। देन बात करते हैं मेन चीज का जो कि प्रोसेसर, इधर आपको स्नैपड्रैगन का 730 मिल जाएगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 730 64 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है, तो 730 एक तो आएगा और 850 भी वैसे आएगा जैसे Redmi का K20 और K20 Pro इंडिया को आने वाला है। देन बात करते हैं Xiaomi का, Xiaomi को ये अच्छा टक्कर देने वाला है, जैसे K20 में आपको मिला था 14 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, जैसे Realme 3 Pro या फिर Redmi Note 7 Pro का आपस में टक्कर चल रहा था, ऐसे ही कम्पीट करने के लिए आ गया। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आपको बेहतर इधर देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक तो प्लान करें किस फोन लेने के लिए, कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन Motorola का One Vision भी है, आपको 19,000-20,000 में आपको मिलता है OIS का सपोर्ट, लेकिन अगर आपको चाहिए प्रोसेसर गेमिंग
एंड मतलब फुल एक तो पैकेज अगर चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। रेडमी का K20 प्रो से भी अच्छा आपको इधर देखने को स्पेसिफिकेशन मिलता है। अगर हम बात करते हैं लॉन्च डेट का, तो लॉन्च डेट July 2-3 का अंदर ही आ जाएगा ये फोन। तो अगर आप प्लान करें एक फोन लेने का तो इसको देखिए, बहुत कड़क स्पेसिफिकेशन तो बहुत ही अच्छा है। आपका अपडेट्स का बात करें तो कलरवेज 6 है ओप्पो का ऑपरेटिंग सिस्टम और दे देगा अपडेट। रियलमी अभी अपडेट में बहुत ही काम कर रहा है, ऑटो अपडेट जैसे रियलमी का 3 प्रो था उसमें कैमरा का जो बग था वो सब फिक्स कर दिया। ये फोन भी आपको बहुत ही अच्छा प्राइस में मिल सकता है। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे टेक लेटेस्ट वीडियो मैं ऐसे ही ला के आता रहूंगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।